सोलन के निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंचायत प्रधान मदन हिमाचली ने की। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि एवं वार्ड सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायत के विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव रखे और उन सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई। यह जानकारी प्रधान मदन हिमाचली ने मीडिया को दी। बैठक के दौरान कोरोना काल में पंचायत किस तरह से कार्य करेगी, इस बारे में भी चर्चा की गई। अधिक जानकारी देते हुए प्रधान मदन हिमाचली ने कहा कि पंचायत का विकास किस तरह से हो और उसके लिए वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आज नौणी के 7 वार्डों में कोरोना की रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन वार्डों में वार्ड सदस्य गाँव वासियों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करेंगे और सार्वजनिक स्थलों पर 2 गज की दूरी हो यह सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों ने शपथ ली है कि वह अपने वार्ड में कोरोना संक्रमण किसी भी तरह से पनपने नहीं देंगे। आज हमारी ग्राम सभा निर्मल ग्राम पंचायत नौणी की जो मीटिंग थी, आज वो रूटीन मीटिंग हमारी जो दूसरी मीटिंग थी अप्रैल मास की, वो संपन्न हुई। और इस मीटिंग में हमने 9 गाँव में 7 वार्डो में जो विकास होना है और वित्तीय प्रबंध किस तरह से करने हैं, उस पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमने वार्ड मेंबरों को ये भी जानकारी दी कि जो हमने मांग की थी माननीय मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, वो 2 लाख रुपया हमारे पास आ चुका है। 1 लाख विधायक निधि का हमारे पास अणु चांबी वाया शेवड़ा संपर्क सड़क के लिए आ चुका है। इसके साथ ही हमारी जो पंचवटी और महलाना में जो हमारा एक पार्क निर्माणाधीन है, उसके लिए भी शेल्फ पास होने की हमें सूचना मिल चुकी है। और हमने आज सबसे बड़ा जो निर्णय लिया वो ये है कि हमारे 7 वार्डों में हम कोरोना महामारी से किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। सभी वार्ड मेंबरों को ये निर्देश दिए गए कि आप अपने अपने वार्डों में ये सुनिश्चित करें कि सभी ने हाथ धोए हैं, सैनिटाइज अपने को किया है, और साथ ही जो मास्क का जो है, मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी, इसको अमल करने के लिए हमने आपस में आज निर्णय लिया। और सभी वार्ड मेंबरों ने ये कसम खाई कि हम अपने अपने वार्डों में जा कर के लोगों से मिलेंगे और कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए सभी प्रयास करेंगे।